बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल फिलॉसफी नेचुरलिज्म पे। फादर ऑफ नेचुरलिज्म जीन जैक रूसो, अ स्विस फिलोसफर, इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ नेचुरलिज्म। यानी नेचुरलिज्म के जो फादर हैं वो जीन जैक रूसो को कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न इन जेनेवा स्विट्जरलैंड इन 1712 एंड डाइड इन फ्रांस इन 1778। स्विट्जरलैंड जेनेवा में ये पैदा हुए 1712 में, और 1778 में फ्रांस में इनकी डेथ हुई। रूसो वॉज एक्चुअली अ पॉलिटिकल फिलोसफर एंड ही हैज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे और इनका एक अहम किरदार है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर पे एक थियोरी लिखी अपनी, जिसमें इन्होंने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन। इंसान आजाद पैदा हुआ है लेकिन वो हर तरफ से चैन में जकड़ा हुआ है। उनके मुताबिक इंसान जो था स्टेट ऑफ नेचर में बहुत मज़े से आराम से रह रहा था और वो एक नोबल सेविज की मानिंद था, लेकिन जब से प्राइवेट ओनरशिप आई इंसान वहाँ पे आके करप्ट हो गया। ही इज ऑल्सो फेमस फॉर हिज नोबल बेस्ड ऑन टॉपिक ऑफ एजुकेशन इमाइल। एक बहुत फेमस नोबल है इनका इमाइल के नाम से, जिसमें अपनी नेचुरलिज्म की फिलॉसफी को इन्होंने डिस्क्राइब किया है इमाइल के करेक्टर में। अब हम चलते हैं मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इसमें क्या है कि नेचर इज अल्टीमेट रियलिटी, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एंड रिटर्न टू नेचर, बैक टू नेचर। यानी इनके मुताबिक हर चीज नेचर है, पार्ट ऑफ नेचर है, चाहे वो गॉड मेड हो या मैन मेड हो। एवरीथिंग इज इन नेचर, यानी टाइम एंड स्पेस में भी नेचर होता है, इंसान की सोच में भी नेचर होता है। तो नेचर इज एवरीवेयर, यानी ये बिलीव करते हैं मटीरियल वर्ल्ड इज रियल वर्ल्ड। उनके मुताबिक रियल वर्ल्ड जो है वो मटीरियल वर्ल्ड है। दे बिलीव इन साइंस, इनका बिलीव जो है वो साइंस पे है, नेचुरलिज्म फिलोसफी का। दे डोंट बिलीव इन सोल, यानी सोल पे, स्पिरिचुअलिज्म पे, गॉड पे इनका कोई बिलीव नहीं है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड सोल। एम ऑफ एजुकेशन इन नेचुरलिज्म, इनके मुताबिक एम ऑफ एजुकेशन जो है नेचुरलिज्म के मुताबिक, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ रियलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट एम ऑफ नेचुरलिस्ट एजुकेशन। नेचुरलिस्ट एजुकेशन के मुताबिक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो होना चाहिए सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चा अपना सेल्फ एक्सप्रेशन कर सके, सेल्फ रियलाइजेशन कर सके, सेल्फ प्रिजर्वेशन। इसका मतलब यहाँ पर यह कि इट इंक्लूड सेल्फ हेल्थ एंड विद हेल्दी इन्वायरमेंट, अलोंग विद हेल्दी इन्वायरमेंट। बच्चा जो है वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख सके और हेल्दी इन्वायरमेंट में उसकी डेवलपमेंट हो। पुलिस डेवलपमेंट, पुलिस डेवलपमेंट से मुराद यहाँ पर यह है कि चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज पुलिस डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। के जो बड़ा मकसद है, एम है एजुकेशन का, वो बच्चे की फुली कंप्लीट डेवलपमेंट है। सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, यानी एजुकेशन मस्ट इक्विप द चाइल्ड टू स्ट्रगल टू एग्जिस्ट। तालीम बच्चे को इक्विप करे, तैयार करे कि वो स्ट्रगल करके जिंदा रह सके, एग्जिस्ट कर सके इस दुनिया में। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी माशी तौर पे भी अपने आप को मजबूत करे, एफिशिएंट बने। दे बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी गियर टू फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड। तालीम के जरिए बच्चा इस लायक हो कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके, इकोनॉमिक नीड्स को। एडजस्टमेंट विद सराउंडिंग, यानी एजुकेशन शुड इनेबल एन इंडिविजुअल टू लाइन इन हार्मनी विद हिज सराउंडिंग। बच्चा अपनी सराउंडिंग से हम आहंगी रखता हो और उसके मुताबिक अपनी तालीम हासिल करे। ऑटोनोमस डिवेलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी बच्चे की ऑटोनोमस डेवलपमेंट हो, उसकी इनफ्रादियत की। इट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट। करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम इन नेचुरलिज्म जो है, करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस बाय नेचुरलिस्ट। इसकी दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज सेंसरी डिवेलपमेंट, जो कि 1 ईयर टू 12 ईयर है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू स्टेजेस, मतलब इसको दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। यानी 1 to 5 नेगेटिव एजुकेशन इसको कहा गया। नेचुरलिस्ट के मुताबिक जो है इब्तदाई तौर पे बच्चा जब दुनिया में आता है तो 1 से 5 साल की
उम्र में उसको किसी चीज की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जो भी तालीम हासिल कर रहा है, अच्छा या बुरा, उसको फर्क नहीं बताना चाहिए। उसको आदत छोड़ना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए, नेचुरल सेटिंग में छोड़ना चाहिए। इसको इन्होंने कहा है नेगेटिव एजुकेशन। 5 to 12 ईयर्स जो है वो सेंसरी डिवेलपमेंट है, वो अपने सेंसरी डिवेलपमेंट करता है, यानी कि उसमें जो है, उसके बाद सेकंड स्टेज आती है फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि 12 ईयर्स ऑनवर्ड होती है। जो 12 साल की जो स्टेज है बच्चे की, उसमें उसको जो फॉर्मल एजुकेशन, फिर फॉर्मल एजुकेशन की तरफ लाया जाता है। उस फॉर्मल एजुकेशन में भी उसको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि जिसका किताब से, बुकिश नॉलेज से कम ताल्लुक हो, हैंड स्किल्स, हाथ की स्किल्स और माइंड यानी ब्रेन से उसका ताल्लुक हो, जैसे कि आर्ट है, पेंटिंग है, इस तरह की लर्निंग कराई जाए बच्चे को। इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 स्टेजेस, यानी मजीद इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। 12 to 15 ईयर्स जिसमें इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की, जहनत की, उसके माइंड की। 15 to 20 ईयर्स में जो है वो स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तारीख पढ़ाई जाए बच्चे को। 20 ऑनवर्ड जो है, वट एवर ही हैज स्टडीड मस्ट अप्लाई इन नेचुरल इन्वायरमेंट एंड प्रिपेयरिंग हिम टू बी अ फादर ऑफ हीज हर टू मदर। यानी कि इसमें आप ये कह लीजिए 20 साल की उम्र में या उसके बाद जो है वो बच्चा प्रिपेयर हो जाए और वो नेचुरल इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करे कि फ्यूचर में उसको फादर या मदर बनना है। इसके लिए मेथड ऑफ टीचिंग नेचुरलिज्म के मुताबिक, दे एडवोकेट डायरेक्ट वे या फिर डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग नेचुरलिस्ट, यानी नेचर के मुताबिक जो इनका डायरेक्ट वे ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद नेचर कैन बी द बेस्ट मेथड। यानी वही बात कह रहे हैं कि नेचर के साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा है, फितरी तौर पे बच्चा जो चीज़ें सीख रहा है, ये बेस्ट मेथड है। प्ले वे मेथड, यानी इसको जो है प्ले वे मेथड भी कहते हैं नेचुरलिज्म में, फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म में। डिसिप्लिन इन नेचुरलिज्म, फ्री डिसिप्लिन है, नेचुरल कंसिक्वेंसेस विल टीच डिसिप्लिन। यानी कि डिसिप्लिन जो है वो फ्री डिसिप्लिन होना चाहिए और नेचुरल कंसिक्वेंसेस जो होंगे वही डिसाइड करेंगे, टीच करेंगे कि क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम इज दी ओनली वे वेयर हारमोनियस डिवेलपमेंट विल टेक प्लेस। यानी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम बच्चे की वहां पर होगी जहां पे हारमोनियस डिवेलपमेंट हो बच्चे की। अगर उससे हटकर है तो वो बेहंगम फ्रीडम नहीं होगी। उस फ्रीडम में भी ये देखा जाएगा कि बच्चा कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, तो वो वहां तक जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है। इट मे ऑल्सो बी मेड क्लियर दैट फ्रीडम इज टू बी गिवन इन सोशल कॉन्टेक्स, और फ्रीडम जो है वो सोशल कॉन्टेक्स में देनी चाहिए एंड नॉट टू दैट एक्सटेंट विच रिजल्ट इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। ऐसी फ्रीडम ना हो बच्चे की जो कि बच्चे को अलग अलग करे, अलहदा करे सोसाइटी से, बल्कि सोसाइटी से कनेक्ट रहे। रोल ऑफ टीचर, एक्सट्रीम नेचुरलिस्ट इग्नोर टीचर। जो एक्सट्रीम लेवल के जो नेचुरलिस्ट है, नेचुरलिज्म की फिलॉसफी के जो फिलॉसफर हैं, वो ये कहते हैं कि टीचर तो होना ही नहीं चाहिए। दे थिंक दैट टीचर विल इंटरफेयर विद द डिवेलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कि टीचर जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट में रुकावट बनता है, इंटरफेयर करता है। और कुछ नेचुरलिस्ट कहते हैं कि टीचर जो है वो सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करता है। टीचर डिजाइन सिचुएशन विच हेल्प इन द इनकलकेशन ऑफ राइट टाइप ऑफ हैबिट्स इन चिल्ड्रन, कि टीचर जो है वो डिजाइन करता है ऐसी सिचुएशन जो बच्चे की मदद करे कि वो अच्छी हैबिट्स को अपनाए। टीचर इज डायरेक्टर ऑफ द एक्टिविटी, वो सिर्फ डायरेक्टर है एक्टिविटी का। टीचर सेंटर नहीं, बल्कि ये स्टूडेंट सेंटर फिलॉसफी है। टीचर शुड नॉट ओवर डू हीज रोल और ओवर एक्ट हीज रोल। टीचर का काम नहीं है कि वो ओवर डू या ओवर एक्ट करे अपने रोल में, वो सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर काम करता है इन द फिलॉसफी ऑफ नेचुरलिज्म में। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस इसकी ये है कि नो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर, यानी इन ये मजहब पे बिलीव नहीं करते, ये इनकी लिमिटेशन है, ये गॉड पे बिलीव नहीं करते, स्पिरिचुअलिज्म की कोई अहमियत नहीं इनकी नज़र में, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। जस्ट फोकस ऑन मटीरियलिज्म, सिर्फ मादी चीज़ों को मानते हैं, दुनियावी चीज़ों को, जो सेंसरी चीज़ों को जो इनके सेंसेस में आती हैं,
इट इज फिलॉसफी विच इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और ये वो फिलॉसफी है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करती है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए कारामद रहा होगा। थैंक यू।